दोस्तों यह एक मैग्नेट है और इसको मैं जैसे ही यहाँ पर रखता हूँ लाइट चालू हो जाती है, इसके अंदर रोशनी हो जाती है, और जैसे ही इसको हटाता हूँ लाइट बंद हो जाती है। दोस्तों मैंने ये घर पर ही बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलईडी लाइट लगी हुई है और इस मैग्नेट को जैसे ही मैं यहाँ पर रखता हूँ और ये लाइट चालू हो जाती है, हटाता हूँ लाइट बंद हो जाती है। काफ़ी कमाल की दोस्तों ये चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ ऐसा ही मैग्नेट हो, आप कोई भी चुंबक कैसी भी हो मैग्नेट होना चाहिए, इसको आप यहाँ पर रखेंगे तो ये लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। इसको मैंने कैसे बनाया है, इसको बनाने के लिए दोस्तों कोई ज़्यादा ऐसा जुगाड़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है। दोस्तों यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये ऊपर का भाग और ये नीचे का भाग किसी कार्डबोर्ड की मदद से ऐसे ही बना लेना है। यहाँ पर ये जो एलईडी लाइट थी हमारी जो जल रही है वो लगी हुई है, और ये वायरिंग है इसकी जो यहाँ से होती हुई ये इधर से होती हुई यहाँ नीचे आती है, नीचे यहाँ पर लगी हुई है यह बैटरी। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक ब्लेड लगी हुई है जो सेविंग ब्लेड होती है वो वाली, और इसके नीचे हमने दूसरा तार कनेक्ट कर दिया है। एक तार इसमें से होते हुए ब्लेड में लगा है, दूसरा ब्लेड के नीचे लगा हुआ है, और ब्लेड और इस वायर के बीच में थोड़ा सा गैप है। और हम जैसे ही यहाँ पर मैग्नेट को लगाते हैं तो वो मैग्नेट इस ब्लेड को अपनी ओर खींचता है और ये ब्लेड उस वायर को टच हो जाती है जिससे वो लाइट जलती है, यानी कि ये ब्लेड है वो स्विच का काम करती है। तो दोस्तों ये काफ़ी सिंपल ट्रिक है, कोई इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, आप ऐसा घर पर भी बना सकते हैं, काफ़ी कमाल की लगेगी ये चीज़। और यहाँ पर ये एलईडी लाइट मैंने ऊपर की छत पे यहाँ पर लगा दी है और यहाँ नीचे में कुछ भी नहीं है।